हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दिवांशी। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलमंड ऑयल यानी कि बादाम के तेल को यूज करने के टॉप 8 बेनिफिट्स फॉर योर स्किन एंड योर हेयर। बादाम का तेल रिच होता है विटामिन्स में, न्यूट्रिएंट्स में, प्रोटीन्स में। ये हमारी ओवरऑल स्किन एंड हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आज मैं आपके साथ इन्हीं बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यूज ऑफ यूजिंग आलमंड ऑयल इज दैट कि हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करता है। हमारी स्किन यूथफुल हो जाती है, रेडियंट हो जाती है और ब्राइट हो जाती है बेसिकली हमारी स्किन। तो इससे हमारी स्किन की ओवरऑल जो अपीयरेंस होती है वो बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाती है। तो हमें आलमंड ऑयल ले लेना है अपनी पाम पे। 10-12 ड्रॉप्स ऑफ हमें आलमंड ऑयल ले लेना है और उसको अपनी पाम पर अच्छे से रब करना है ताकि आलमंड ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए हमारी बॉडी की हीट से। और उसके बाद हमें अपने फेस पर डैब डैब करके आलमंड ऑयल लगा लेना है और उसकी 5-10 मिनट्स हमें अच्छे से मसाज करनी है। और मसाज हम जब भी करेंगे हमें अपवर्ड मोशन में करनी है ताकि जो हमारी स्किन है वो सैगिंग ना हो, क्योंकि अगर हम डाउनवर्ड मोशन में करेंगे तो वो स्किन सैग हो जाएगी। सो सेकेंड यूज क्या है आलमंड ऑयल का, कि आलमंड ऑयल को हम एज अ रिंकल को हटाने के लिए, फाइन लाइंस को हटाने के लिए और साइंस ऑफ एजिंग को हटाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो हमें अपने पाम में आलमंड ऑयल लेके उसकी अच्छे से रब करना है और उसके बाद हमें अपने फेस पे टैप टैप करके लगा देना है और अच्छे से इसकी मसाज करनी है हमें। और इसको हमें ओवरनाइट के लिए छोड़ना है। तो मसाज से होता क्या है बेसिकली, कि हमारे जो फेस पे ब्लड सर्कुलेशन होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि हम मसाज करते हैं। और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है जो जितने भी रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, वो सारी की सारी रिड्यूस होने लगती हैं क्योंकि हम मसाज कर रहे होते हैं। आलमंड ऑयल को आप यूज कर सकते हैं अपना मेकअप रिमूव करने के लिए, क्योंकि आलमंड ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा है फॉर रिमूविंग योर मेकअप। और ये एज अ नेचुरल क्लिंजर है जिससे कि आपका मेकअप बहुत अच्छे से मेल्ट होके निकल जाता है। आपको कोई जरूरत नहीं है महंगे महंगे क्लिंजर में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि आलमंड ऑयल ही बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है आपके मेकअप को रिमूव करने के लिए। सो हमें यहाँ पे आलमंड ऑयल लेना है, अपने हैंड पे अच्छे से रब करके उसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लेना है और इसको रब करना है। और रब हमें जेंटली करना है और सारा का सारा मेकअप ताकि मेल्ट हो जाए। बेसिकली हम अपना मेकअप मेल्ट करना है और मेल्ट करने के बाद हमें एक कॉटन लेनी है। कॉटन से अच्छे से अपने फेस से जितना भी हमारा मेकअप था उसको रिमूव कर लेना है और देखो कि सारा का सारा मेकअप सारा रिमूव हो। सो आलमंड ऑयल को हम एज अ डार्क सर्कल रिमूवर भी यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारे डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या काम करता है कि हम जब अपने आई एरिया पे ये लगाते हैं तो इससे हमारा आई एरिया ब्राइटन अप हो जाता है। कईयों के आई एरिया के आसपास पफिनेस होती है तो पफिनेस को भी वो रिड्यूस करता है आलमंड ऑयल। और उससे हमारी ओवरऑल जो आई की अपीयरेंस है, जो काले घेरे हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। सो हमें आलमंड ऑयल अपने रिंग फिंगर पे लेके अच्छे से अपने आई एरिया के अराउंड मसाज करनी है एंटी क्लॉकवाइज 10 times एंड 10 times क्लॉकवाइज। तो इससे क्या होगा, हमारी सारी की सारी पफिनेस रिड्यूस हो जाएगी और हमारा जो आई एरिया है वो बहुत ज्यादा ब्राइटन अप हो जाएगा। गाइज यहाँ पे मैं आपको जितनी भी रेमेडीज बता रही हूँ ये तभी वर्क करेंगे अगर आप इसमें कंसिस्टेंस रहेंगे। ये नहीं कि आपने एक दिन यूज कर लिया तो उसके बाद छोड़ दिया तो ये नहीं दिखाएगी। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी कि इसको आपको कम से कम 1 month तक यूज करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स आपको दे पाए। सो नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग आलमंड ऑयल इज दैट कि अगर आपको कोई भी आपका बॉडी पार्ट लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा डल हो गया या ड्राई हो गया है तो आप उसको ब्राइटन अप करने के लिए भी आलमंड ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, या तो आप थोड़ा सा अपना जो भी बॉडी लोशन है उसमें आलमंड ऑयल की फ्यू ड्रॉप्स डाल के मिक्स कर दीजिए और एज अ बॉडी लोशन अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको वो स्टेप नहीं करना तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आलमंड ऑयल अपनी पाम में रब करके अपनी आर्म्स पे, मान लो यहाँ पे मुझे लगाना है तो अपनी आर्म्स पे अच्छे से 1-2 मिनट इसकी मसाज कीजिए एंड उसके बाद सो जाइए। उसके बाद सुबह उठ के आपको अच्छे से इसको वॉश कर लेना। ऐसा आप थोड़े दिन तक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा ब्राइटन अप हो जाएगा। सो आप आलमंड ऑयल को यूज कर सकते हैं अपनी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, डैंड्रफ का कई लोगों को इश्यू होता है, डैंड्रफ खत्म करने के लिए, अपने हेयर को शाइनी एंड स्मूथ बनाने के लिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपनी स्कैल्प में इससे अच्छे से मसाज करनी है आलमंड ऑयल से। अगर आप रख सकते हो तो आप ओवरनाइट रखो, इट वर्क एज अ बेस्ट रेमेडी। अगर आप नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, 2-3 घंटे में भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। 2-3 घंटे इसको रहने दो, उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो। इसको अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर हेयर ग्रोथ। सो आप आलमंड ऑयल को एज अ स्लीपिंग मास्क भी यूज कर सकते हैं। स्लीपिंग मास्क बेस्ट होते हैं हमारी स्किन को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि नाइट टाइम पे क्या होती है, हमारी स्किन रिपेयर मोड पे होती है। अगर हम उस टाइम कुछ भी अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन के 10 times डीप लेयर अंदर तक जाता है और हमारी स्किन को रिपेयर करता है। तो स्लीपिंग मास्क से क्या होगा, हमारी स्किन बहुत ज्यादा रेडियंट हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, यूथफुल लगने लगेगी और क्लियर लगने लगेगी। तो
सो हमें इसमें 1 टीस्पून आलमंड ऑयल डाल देना है और हमें इसमें 1 टीस्पून ही एलोवेरा जेल डाल देना है। आप जो भी चाहें एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। और हमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल देना है, ये आपको कहीं भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगा। और हमें इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है और उसके बाद हमें इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे, अप्लाई करना है इसको विद द हेल्प ऑफ ब्रश। अगर आप चाहें तो आप अपने फिंगर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। और इसको अच्छे से आपने अप्लाई कर देना है और इसको आपको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है और सुबह उठ के आपको अपना फेस वॉश कर लेना है विद द हेल्प ऑफ फेस वॉश। सो आप इसको एज अ फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आलमंड ऑयल को, या फिर अपने आप मेकअप करने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इससे क्या होता है, मेकअप आपका इजिली ग्लाइडन होगा, क्योंकि मेकअप करने से पहले हमें कुछ भी थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए या फिर फेशियल ऑयल यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे मेकअप जो है अच्छे से ग्लाइडन हो और फ्लॉलेस लगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने पाम में थोड़ा सा आलमंड ऑयल लेना है और उसके अच्छे से 2 मिनट इसको रब करना है। और उसके बाद 2 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से आपके फेस पे मसाज करनी है। उसके बाद आप जो भी मेकअप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इससे होता क्या है कि हमारे स्किन पे जो मेकअप है वो इजिली ग्लाइड ऑन होता है वो। सो गाइज, दीज आर माई top 8 benefits ऑफ यूजिंग आलमंड ऑयल, जिससे कि आपकी स्किन यूथफुल लगेगी, ब्राइट लगेगी, ग्लोइंग लगेगी और सब आपसे पूछेंगे आपकी ग्लोइंग स्किन का क्या राज है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट इज फ्री टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माई न्यू अपडेट। थैंक यू।